में भाजपा की सरकार बनेगी सभी लोगों से तो किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा की और यदि जरूरत पड़ेगी तो पुलिस को फ्री हैंड किया जाएगा कि बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। यूपी की तरह बिहार में भी होना चाहिए इनकाउंटर। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीते दिनों अतीक अहमद के बेटे अशद अहमद का इनकाउंटर के बाद ये बयान बीजेपी की तरफ से आया है। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से जब ये सवाल किया गया अतीक अहमद को लेकर, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जो यूपी में इनकाउंटर होता है, जिस तरीके से यूपी में बदमाशों पर शिकंजा कसा जाता है, वैसा ही कुछ बिहार में भी होना जरूरी है। अगर बिहार में भी इनकाउंटर होगा तभी बिहार की भी जो स्थिति है वो सुधरेगी। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भाजपा की सरकार बिहार में आई तो ऐसा वो जरूर करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, अगली बार यह भाजपा की सरकार बनेगी तो कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत हुई तो पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर भी करेगी। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में अपराध को दमन करने के लिए यहाँ भी बुलडोजर वाले शासन की जरूरत है, यह अपराध निरंतर यहाँ बढ़ते चला जा रहा है। विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ मंत्रियों को लेकर दिल्ली घूम रहे हैं, इससे बिहार के विभाग का कार्य प्रभावित और ठप है। दिल्ली में तो कोई राजनीतिक दल नहीं गलेगी, साथ ही साथ बिहार की हालत खराब हो जाएगी। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में चल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी में विपक्षी दलों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, यही कारण है कि कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले अवसरवादी आज एक साथ खड़े होने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पर कब्जा करने की इनकी मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। वर्ष 2024 से पहले इनकी एकता ताश के महल की तरह भर भर कर ध्वस्त हो जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराध दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, अपराधियों पर कार्यवाही नहीं हो रही, इस कारण से यहाँ पर लोगों के अंदर भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोग बिना डरे भय से कहीं भी घूम रहे हैं, वहाँ का शासन अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में सफल है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शासन सीखना चाहिए, जहां एक तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में आई तो बिहार में भी एनकाउंटर होगा, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में रही और बिहार की जो अभी भी सरकार है उसे भी बुलडोजर वाला शासन लाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में भी अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी सरकार से शासन सीखना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।